अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं सदर रेमबो सेंटर में आया हूँ और जब से चैनल बना है तब से हम बस कंसोल की प्राइसेस और गेम्स की प्राइसेस पूछे जा रहे थे, तो आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो आज मैं पूछने आया हूँ ये मूवी ओरिजिनल मूवीज़ की प्राइसेस, जैसे ओरिजिनल ब्लूरे मूवीज़ हो गई या ओरिजिनल डीवीडीज़ हो गई और पीसी गेम्स हो गए ओरिजिनल, तो इनकी प्राइसेस पूछते हैं। और अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे क्या ओरिजिनल मूवीज़ कौन लेगा ये वो, क्योंकि अब काफ़ी लोग ऑनलाइन ज़्यादा ही तो हर कोई नेट से ही डाउनलोड कर लेता है मूवीज़ या यूएसबी में ट्रांसफ़र वगैरह कर लेता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कलेक्शन जमा करते हैं, जो कलेक्शन मूवीज़ के कलेक्शन जमा करने का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। तो अभी हम सिजील भाई से बात करेंगे जो इस शॉप के ओनर हैं, तो अभी उनसे बात करेंगे और प्राइसेस वगैरह पूछेंगे पीसी गेम्स की और ओरिजिनल डीवीडीज वगैरह की, और स्पेशल एडिशन भी होते हैं ये ब्लूरे के और ओरिजिनल डीवीडीज के, तो उनकी प्राइसेस भी पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सिजील भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम ज़ैन भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अच्छा तो सिजील भाई, पहले आप ओरिजिनल डीवीडीज़ की कॉस्ट बता दें, क्या पड़ेगी ईच? ओरिजिनल डीवीडीज़ के प्राइस आपको पड़ेंगे 350 ईच डीवीडी या ओरिजिनल, हाँ पाकिस्तानी मूवीज़ और पाकिस्तानी ड्रामेज जो हैं ओरिजिनल, उनकी ईच डीवीडी आपको 150 ईच डीवीडी पड़ेगी। ये जो आपने अभी ईच जो 350 बताई है, ये हॉलीवुड की मूवीज़ है? ये हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, इंडियन बॉलीवुड भी है और इंग्लिश है। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ, हाँ तो आप ये सैंपल देख लें, ये बॉलीवुड मूवीज़ हैं, ये ओरिजिनल शुमारो की हैं, ये ओरिजिनल शुमारो आपको 350 रुपीज़ की ईच डीवीडी पड़ेगी, 350 ईच डीवीडी पड़ेगी आपको। ये 5-6 मूवीज़ हैं जो ज़्यादा पूरा कलेक्शन मिल जाएगा ओरिजिनल डीवीडीज़ का, आपको फुल कलेक्शन है जितना, और आप ऑर्डर भी दे सकते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, जितना चाहें आप दे सकते हैं ऑर्डर। इंडियन मूवीज़ की जो आपकी चॉइस की मूवीज़ हैं वो आप देना चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी आपको मंगवा दी जाएगी। ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश मूवीज़ की कॉपीज़ हैं, ये आपको 2 डीवीडीज़ का बॉन्ड का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा, ये ओरिजिनल डीवीडीज़ हैं। ये कितने का? ये 350 700 हाँ, बोथ ऑफ ये कलेक्शन है। इसमें आपका 1 डीवीडीज़ आपको कलेक्शन मिलेगा के मूवीज़ का है, दूसरा स्पेशल फीचर्स है जिसमें डायरेक्ट कट्स है, स्पेशल फीचर्स है, कास्ट एंड क्रो एवरीथिंग, आई थिंक एवरीथिंग इसमें आपको डिलेटेड सीन्स वगैरह सब मिल जाएगा। ये बॉन्ड का कलेक्शन आपको पूरा मिल जाएगा, इंडियन इंग्लिश मूवीज़ हैं जितनी वो सब मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट्रीज ओरिजिनल है ये भी सब मिल जाएगा, बुक नॉवेल पर जो बेस्ट मूवीज़ हैं वो भी ओरिजिनल में सब मिल जाएंगी आपको, सेपरेट मूवीज़ भी हमारे पास हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और अब जैसे ब्लूरे मूवीज़ ओरिजिनल वाली जो हैं, इनकी कॉस्ट क्या होगी? ब्लूरे ओरिजिनल डीवीडीज़ की तो प्राइस जो चलता है नई मूवीज़ के तो 4000 भी हैं, 5000 भी हैं, लेकिन हम लोग अपने क्लाइंट को देखते हैं 1500 से लेके 5000 तक की। सही। तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ कैसे पड़ेगा। जैसे ये ड्रामा सीरीज़ है जी, ये ड्रामा सीरीज़ है, जैसे मैंने ये होमलैंड लिया है, ये ड्रामा सीरीज़ है, 3 डीवीडीज़ ब्लूरे है, सॉरी ये 3 ब्लूरे डीवीडीज़ पर है, ये 3500 पर डीवीडी आपको पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ कलेक्शन में जाते हैं तो इसके प्राइस हम आपको 1500 भी लगा सकते हैं, तो ये पूरा सेट आपको 10500 का ही पड़ सकता है। गेम ऑफ थ्रोन है, उसका पूरा सीज़न, कंप्लीट सीज़न मिल जाएगा आपको, और 8 सीज़न है वो, 8 के 8 सीज़न आपको ब्लूरे में मिल जाएंगे ओरिजिनल ब्लूरे, वो 50 GB भी होती हैं, 100 GB भी होती हैं। अच्छा तो अब जैसे अभी MCU वालों ने एक कलेक्शन निकाला था इन्फिनिटी सागा के नाम से, जिसमें पूरी 21 मूवीज थी, पूरे 3 फेज थे उसमें, तो उसमें उसका आपके पास अगर किसी को मंगवाना हो तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ जाएगी? उसका भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने उसको अभी मंगवाया नहीं था, मुझे किसी के पास से ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन मुझे जो जेम्स बॉन्ड का ऑर्डर मिला था वो मैंने बेचा था 42000 रुपीज़ में, तो उसमें टोटल कंप्लीट बॉन्ड मूवीज़ थी, पूरा बॉक्स सेट था, तो मैंने वही 3500 ईच डीवीडी ब्लूरे लगाया था उनको, क्योंकि जो ऑर्डर पे मंगवाते हैं उनका रेट अप डाउन होता रहता है, तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका कितना पैसा बन जाएगा और कितना लगता है, लेकिन ये है कि जितना कोऑपरेट होगा मैं आपके साथ करूँगा, और कम से कम आपको, बिकॉज़ मैं आपको अपना कस्टमर बनाऊँगा, तो आप विज़िट करें प्लीज़।
अच्छा, तो अब 4K और 3D ओरिजिनल DVDs भी आपके पास होती हैं ब्लूरे? जी वो भी मिल जाएंगी, अगर आप ऑर्डर देते हैं तो वो भी, ऑर्डर देंगे तो वो भी मिल जाएंगी। अभी तो मेरे पास एक है प्लैनेट अर्थ 2, ये 4K में है, 2 DVD सेट है। इसके प्राइस भी आपको मैं 3500 ही दूंगा, लेकिन जो आप ऑर्डर पे मंगवाते हैं तो उसका मैं बता दूंगा कि वो, क्योंकि इसके हाई रेट चलते हैं 4K के, कोई 6000 का मिलता है, कोई 7000 का, तो इसके रेट अपडेट होते रहते हैं। बाकी 3D मूवीज़ हैं, ये आपको 3D मूवीज सॉन्ग्स की भी मिल जाएंगी, आपको सॉन्ग्स वगैरह के भी हैं, जैसे माइकल जैक्सन हैं, वन डायरेक्शन हैं, और भी आप ऑर्डर देते हैं तो 3D मेटेलिका 3D निकला है वो मिल जाएगा आपको ओरिजिनल में। प्राइस का इश्यू नहीं है, प्राइस तो हम करते रहते हैं, ये हो भी जाएगा, कोई मार्केट से कम ही है और ऑनलाइन से भी कम ही मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह 3D में, बच्चों के गेम्स, ट्रोलॉजी, एवरीथिंग, आई थिंक आई हैव इट। और आप चाहें तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, जो आपकी चॉइस वाली मूवीज़ हैं जो आप मंगाना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगी। मेरे पास बिग कलेक्शन है, आई थिंक एवरीथिंग, आई हैव ऑडियो CDs, इंग्लिश, पाकिस्तानी, इंडियंस, सब ओरिजिनल DVDs पर होगी। अच्छा सजील भाई, आपके पास कुछ स्पेशल एडिशन भी होते हैं मूवीज़ के? हाँ जी, मेरे पास स्पेशल एडिशन मूवीज़ के भी मिल जाते हैं, और जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आई हैव स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर कलेक्शन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। मैं ओपन करता हूँ, कॉमिक बुक, कार्ड्स, फोटो कॉपीज, कैमरा, ये इसके बुक है टोबी मैग्वायर के साथ, ये सब स्पाइडरमैन टोबी मैग्वायर की सारे कलेक्शन की बुक है। ये डायरेक्ट कट है कि कैसे मेकिंग है, कैसे बनाया, कैसे वजूद में आया। इसका फर्स्ट पार्ट है कि एक DVD की मूवीज़ का है, और सेकंड DVD की स्पेशल फीचर्स है, उसमें डायरेक्ट कट भी है, स्पेशल रिलेटेड सीन्स भी हैं, और कास्ट एंड क्रो इंटरव्यूज़ हैं, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये टोबी मैग्वायर का फुल मूवी कलेक्शन है। अच्छा, तो इसमें तीसरा पार्ट नहीं कलेक्शन में? कलेक्शन में उस वक्त ये लॉन्च नहीं हुआ था थर्ड पार्ट, तो इसलिए 2 DVDs का, ये 6 DVDs पैक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करा था, थर्ड पार्ट लेट आया था, तो उन्होंने ये बुक, ये स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया था। अच्छा, तो ये इतना पुराना एडिशन है काफ़ी? जी जी जी। तो अगर इसकी कॉस्ट क्या होगी? ये आपको वही 300-500 रुपीस ईच DVD पड़ेगी, 6 DVDs है, तो आप देख सकते हैं बुक वगैरह के, हम बॉक्स सेट होता है तो उसके हिसाब से लगाते हैं, और इसके जो स्पेशल एडिशन होते हैं तो उनकी कॉस्टली होती है। अब जैसे मैं 3000-3500 का सेल करता हूँ। अच्छा, तो आपके पास ये स्टार वॉर्स का भी एक एडिशन पड़ा हुआ है, ये इसकी आप बताएं कुछ? स्टार वॉर्स ट्रोलॉजी भी है, लेकिन ये मेरे पास है स्टार वॉर्स गेम DVD गेम, सेगा गेम, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके, क्योंकि हाउ कैन द प्ले। इसके साथ 2 DVDs हैं, एक गेम का है, एक मूवीज़ का है, उसका बुक है और उसके कार्ड्स हैं, जस्ट लाइक हम लूडो खेलते हैं, ये उसके साथ है, इसके गेम के है और इसके कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं इसके, तो ये ऐसे ही है, ये गेम का है सारा, तो DVD गेम भी मिल जाते हैं, इसका भी है, और हाँ मिनी मोर। अच्छा, क्लासिकल सीरीज़ भी होती हैं आपके पास ओरिजिनल? जी मेरे पास क्लासिकल सीरीज़ भी मिलती हैं, जैसे मिशन इम्पॉसिबल है, ओल्ड वन TV सीरीज़, आई हैव वन सीजन 7 DVDs पर, तो ये प्रॉपर ओरिजिनल है। अच्छा, आपने इसकी कॉस्ट नहीं बताई वैसे स्टार वॉर्स वाले की? स्टार वॉर्स आपको 300-500 रुपीज़ का ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये 300 आपने बोला? हाँ, ईच DVD मैंने आपको बताया, जैसे कि ये ईच DVD 2 DVD सेट है, तो ये आपको 700 रुपीज़ का पड़ेगा। अच्छा, और ये स्टार वॉर्स ईच DVD 350-500 रुपीज़, 7 DVDs है, तो आप काउंट कर सकते हैं कितना बनेगा। स्टार गैलेक्टिका ओरिजिनल, नाइट राइडर फुल कलेक्शन। अच्छा, ये भी उतने का? फुल कलेक्शन 50 ईच DVD पड़ेगा ये आपको, 50 रुपीज़ ईच DVD। यस। और भी आपके पास कुछ? हाँ, ये ट्रायलॉजी है गर्ल विद द ड्रैगन टैटू का, ये बॉक्स सेट है इसका,
पूरा 4 DVDs का कलेक्शन है, यू चेक इट नाउ। तो ये इसका 4 DVDs मूवीज का कलेक्शन है, इसकी ट्रॉलॉजी है पूरी। और इसकी वही प्राइस है जो आपने सेम प्राइस है, सेम प्राइस है। हाँ, अगर आप बल्क में लेते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। अच्छा, तो ये पीछे भी कुछ पड़े हुए हैं आपके पास 3D एडिशन, ये ब्लूरे मूवीज, तो ये इसकी प्राइस क्या है? ये भी ओरिजिनल 3D हैं, ये 3500 की आपको 3D मूवीज पड़ेंगी। मैं इक्वली प्राइस देता हूँ, जैसे कि ब्लूरे और 2D का और 3D का सेम प्राइस ही है। अच्छा। हाँ, वो अलग सी बात है कि अगर रेट अपडेट हो जाते हैं तो फिर मेरा कॉस्टली हो सकता है, वरना तो सेम प्राइस होगा। मैं आपको 2000 की भी दे सकता हूँ, 1500 की भी दे सकता हूँ, क्योंकि प्राइस पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक गोल्ड, जैसे वो उसका रेट अप डाउन होता रहता है, तो ये गेम्स वगैरह ये भी सब ऐसे ही चीज़ें में इंक्लूड होती हैं। अच्छा, तो अब हम PC गेम्स की प्राइस पूछते हैं। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि PC गेम्स पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्टेज होती है इन गेम्स की और बहुत महंगे, इसलिए महंगे भी बहुत होते हैं। अब इनकी रेंज अगर पूछी है तो सजीव भाई, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक होते हैं इसकी रेंज? इनकी रेंज आप 2000 से लेके 20,000 तक लगा सकते हैं, क्योंकि ये बाहर से मंगवाए जाते हैं और फिर ऑर्डर दिया जाता है। तो पीसी गेम वैसे ही ऑलरेडी इतने महंगे होते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा बेटर जानते होंगे। अच्छा, तो आप फिर कोई ये दो गेम्स पड़े इनकी प्राइस बता दें, क्या है इनकी प्राइस? GTA मेरे पास 4 है, ये 4 DVDs पर है। सही है, ये 4 DVDs हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इनकी क्या प्राइस आपने बताई? ये आपको 10,000 का पड़ेगा, 4 DVD सेट है ये। अच्छा, और इसके नीचे कमांड एंड कॉन्कर है, ये आपको 3,000 का पड़ेगा। इसमें भी बुक है और 2 DVD का सेट है, ये बुक है, इसमें 2 DVDs हैं और इसका ये बुक भी है, कार्ड है। तो बेसिकली ये प्राइस उसी पे होता है कि नए पुराने पे, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर किसी को चाहिए हो कोई गेम वगैरह, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो ऑर्डर पे मंगवाए तो आपको उसकी प्राइस फिर बतानी पड़ेगी। मैं उनका प्राइस आपको, आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। मैं उनसे आगे मालूम करूंगा अपने डीलर से, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये गेम है तो मैं आपको वो मंगवा के दे दूंगा। उसके प्राइस पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये प्राइस है, अगर आप डन करते हैं तो मैं मंगवा के दे देता हूँ आपको। अच्छा, तो अब आपको किसी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो कि गेम्स की, मूवीज़ की तो आपको बता चुके हैं कि ये कॉस्ट होगी, ये कॉस्ट होगी, लेकिन अगर आपको ऑर्डर पे कोई चीज़ मंगवानी है, कोई मूवी मंगवानी है या फिर कोई गेम मंगवाना है, तो आप फिर इनसे डायरेक्टली कॉल करके पूछें, तो मैसेज कर सकते हैं आपको? हाँ, वाई नॉट, मुझे मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रेगुलर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हाँ सजेस्ट भी कर दूँगा, रिकमेंड भी कर दूँगा, आप जैसे चाहें मैं आपके साथ फुल कोऑपरेट करूँगा। ये सब ओरिजिनल का काम कर रहे हैं हम, और ये रेम्बो सेंटर में मेरी दुकान है सदव DVD के नाम से, फर्स्ट फ्लोर पर, शॉप नंबर 55। माय नेम इज़ सिजिल कुरैशी। तो आई होप आप लोग विज़िट करें, और आपको इनकी शॉप का एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनका व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसे हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कोई स्पेशल एडिशन रह गए हैं मूवीज़ के और PC गेम्स के, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो या ऑर्डर करना हो कोई भी चीज़, कोई भी मूवीज वगैरह, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये छोटा सा चेंज अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आपको कैसा लगा ये चेंज। और इनके पास PS3 के गेम्स भी होते हैं और PS4 के गेम्स भी होते हैं, तो अगर आपको वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सब होता है इनके पास, सब जैसे Xbox 360 के गेम्स होते हैं इनके पास, तो वो सब चीज़ें जो रह गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये छोटा चेंज अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, और मैं मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।